Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start internal direct product. Group theory हम already discuss करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? तो उसमें direct product या external direct product क्या होता है ये हम already discuss कर चुके हैं अपने video में, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, suppose कीजिए आपके पास कुछ groups हैं, कुछ ग्रुप्स हैं तो उनका कुछ ऑपरेशन भी होगा, क्योंकि हर ग्रुप का एक ऑपरेशन होता है ना। तो अगर हम कुछ ग्रुप्स उठाएं, उनका कोई अलग अलग भी ऑपरेशन हो सकता है, सेम भी हो सकता है ना। हम कुछ अलग अलग ग्रुप्स उठाएं, उन ग्रुप्स को आपस में प्रोडक्ट करें, ठीक है, कुछ रूल लगाते हुए, क्या रूल लगता है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक नया ग्रुप जो बनता है, ठीक है, ये हमने एक ग्रुप बनाया था, कुछ ग्रुप लिए, उन ग्रुप के ऊपर क्या किया, एक ऑपरेशन लगाया, कैसे ये ग्रुप बना, क्या इसका ऑपरेशन था, ये सब हमने डिस्कस किया। कैसे क्या हुआ था ये ग्रुप की, इसने चारों प्रॉपर्टीज को, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप की, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये कैसे इसने इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ये सारा हमने एक्सटर्नल प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट में देखा, ठीक है। अब बात आती है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका नाम से ही हमें समझना है। वहां पे हमने कुछ ग्रुप्स उठाए थे, उनका प्रोडक्ट निकाल के एक और ग्रुप बना था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोई एक ग्रुप है, ओके, हमने उसके कुछ नॉर्मल सब ग्रुप उठाने हैं, कुछ कितने भी नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं उसके, ठीक है, एच लिया, के लिया, या फिर हमने एच वन, एच टू, एच थ्री, एच एन ले लिए, कुछ नॉर्मल उसके सब ग्रुप्स हैं, मतलब कि इंटरनली हो रहा है ये, है ना। कैसे प्रोडक्ट निकालना है, इंटरनली, कोई एक ग्रुप था ये उसी के सब ग्रुप्स हैं, उसी के सब ग्रुप्स का जब हम प्रोडक्ट निकाले, ठीक है, और कुछ रूल को देखते हुए कि क्या ये जो सब नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं इसके ये क्या प्रॉपर्टीज या क्या रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो ग्रुप होगा इस वाले सब ग्रुप्स का, इन वाले सब ग्रुप्स का क्या होगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कैसे, जी जो बनेगा वो एच के बनेगा, ये हम अब डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। तो लेट्स कम टू डेफिनेशन नाउ। डेफिनेशन, सपोज हमने सपोज करना है कि सपोज जी इज अ ग्रुप, जी ग्रुप है एंड एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी। सबसे पहले हमने यही लिखना है, ठीक है, कि कोई जी ग्रुप है, एच और के उसके क्या है, कोई दो सब ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद इफ अगर वो ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, कैसे कि एच एंड के जो हो ये क्या हो, ग्रुप में नॉर्मल हो, मतलब कि एच और के, या फिर हम यहां भी बोल सकते थे एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये आती है कि जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए वो आइडेंटिटी होना चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड के, मतलब कि इन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप्स में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। और थर्ड है आपका कि जी इज इक्वल टू एच के, और जी इज इक्वल टू एच के सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के, और वी कैन से व्हाट वी कैन से कि जी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, दैट इज G इज इक्वल टू एच के फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K, देन G इज कॉल्ड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड K। तो ये अगर G जो है वो ये प्रॉपर्टीज के सेटिस्फाई कर रहे हैं एच के, कि एच क्या है, एच और के दोनों क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जी के, ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, और जी को हम यूनिकली, जी के जो एलिमेंट्स हैं उनको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, ठीक है। तो जो जी होता है उसको हम बोलते हैं जी इज इन
प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के। तो ये होगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। और ये जो एच के होते हैं ये आपस में कम्यूट भी करते हैं, ठीक है। और जो जी होता है ये एच और के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। इसीलिए एक्सटर्नल और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। आइसोमॉर्फिक मीन्स वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को वो मैपिंग अगर हमें डिफाइन कर दे जी से लेके एच और के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट तक, तो वो जो मैपिंग होगी वो क्या क्या सेटिस्फाई करेगी, वो वन वन होगी, होमोमॉर्फिक होगी और ऑन टू होगी, ठीक है। तो ये जो हो गया ये हुआ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे दो सब ग्रुप की जगह ज्यादा सब ग्रुप हो तो भी हम डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सपोज एच वन, अगर आपके पास एच और के की जगह क्या है, ज्यादा सब ग्रुप है, ठीक है। सपोज जी इज अ ग्रुप एंड एंड एच वन एच टू आप लिख लीजिए, एच वन एच टू अप टू सो ऑन एच एन आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, तब भी हम इनका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन जी इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच वन एच टू अप टू सो ऑन एच एन इफ G इज इक्वल टू एच वन अप टू सो ओन एच एन, दैट मीन्स G कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, जो अभी हमने लाइन लिखी थी कि G कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ एच वन एच टू अप टू सो ओन एच एन, दैट इज हम कैसे लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू एच वन एच टू अप टू सो ऑन एच एन वेयर एच आई बिलोंग्स टू एच आई, ओके। तो ये भी आईडीपी की इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, अगर आपके पास क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। जैसे हमने एच के की टर्म्स में लिखना हो तो हम वैसे लिख देंगे, अगर एच वन से लेके एच एन ऐसे टर्म्स में लिखना हो तो हम ऐसे लिख देंगे, प्रोवाइडेड इन सबका जो इंटरसेक्शन होता है आपस में वो क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। और ये जो सब ग्रुप्स होते हैं इनके एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, ओके। तो ये हुआ आपका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे एक ग्रुप अपने दो नॉर्मल सब ग्रुप्स का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट से डिफाइन होता है, ठीक है। और एग्जांपल देखते ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज वीडियो को आगे देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो लेट्स कम टू एग्जांपल। Now we come to example. देखिए U12 ये एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ये हमने डिस्कस किया हुआ है अपने और वीडियोस में भी, तो आपका आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिए U12 क्या होता है, ये होता है 1, 5, 7, 11 ग्रुप ऑफ यूनिट्स, यही होता है। और इसका ऑपरेशन, कोई भी ग्रुप है तो उसका एक ऑपरेशन भी होगा, इसका ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12, ठीक है। अब इस ग्रुप के हमने ये जी ले लिया, हमें क्या दिखाना है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाना है एग्जाम्पल से, ठीक है। उसके लिए अगर हम कोई इसके सब ग्रुप्स ले लेते हैं, ठीक है, और उन सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट दिखा के ये बताएं कि इन सब प्रोडक्ट का, इन सब ग्रुप्स का जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे ये क्या बन रहा है, ये ग्रुप बन रहा है। वही कंडीशन कि एच और के अगर हम कोई दो नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं, है ना, अगर वो ग्रुप जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल है, और क्या है, अगर उन सब ग्रुप्स का आपस में इंटरसेक्शन क्या है, आइडेंटिटी है, और क्या होता है, और क्या होती है कंडीशन, और ये कंडीशन होती है कि उन ग्रुप के मेंबर्स को हम सब ग्रुप के मेंबर में प्रोडक्ट में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए इसका एक एलिमेंट है 5, अगर मैं 5 से जनरेट करता हुआ एक ग्रुप बनाऊं तो कैसे बनेगा, क्या उसके एलिमेंट्स होंगे, 5 से जनरेट कीजिए, जब 5 से जनरेट होगा 5 को आप एक बार ऑपरेट करेंगे, 5 से जनरेट करेंगे, 5 5 25, आप इससे 12 डिवाइड करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन तो यही है, ऑपरेशन ये तो आपको क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा, ये आपको ऑपरेशन सॉल्व करना आता है। कैसे करते हैं, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी द आंसर। इसका भी हम
जो ये ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, ए बी, ये जो क्या आता है रिमाइंडर, ये हम अलग से वीडियो एक इन वाले ऑपरेशन की पढ़ चुके हैं, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, फिर आप एक बार और ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइव मिल जाएगा, फिर ऑपरेट करेंगे, फिर ऑपरेट करेंगे, तो ये आपको वन और फाइव ही मिलेगा। दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप, तो क्या मिलेगा, वन फाइव वन फाइव वन फाइव, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो वन और फाइव आपका एक सेट बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। इसका ऑपरेशन हमें पता है ये है, क्योंकि ये इसका ही सब ग्रुप है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सेवन से बनाए, सेवन से भी आप सिमिलरली बनाएंगे तो आपको वन और सेवन ही मिलेगा, यू कैन चेक दैट, ठीक है। तो आपने फाइव से बनाया एक सब ग्रुप, एक सब ग्रुप आपने बनाया सेवन से, ओके, दीज आर नॉर्मल सब ग्रुप्स, इनका इंटरसेक्शन क्या है, आइडेंटिटी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन, अगर आप देखो वन और सेवन को ऑपरेट करेंगे सेवन मिलेगा, वन एंड फाइव को ऑपरेट करेंगे फाइव मिलेगा, वन एंड वन को ऑपरेट करेंगे वन मिलेगा, एंड फाइव एंड सेवन को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इलेवन, ठीक है। तो इसका मतलब इस यू ट्वेल्व को, इस जी को हम कैसे लिख सकते हैं, इफ हम इसको ले ले एच, दिस सब ग्रुप इज एच, दिस सब ग्रुप इज के, तो यू ट्वेल्व इज रिटन एज दिस, ओके, मीन्स जी इज इक्वल टू एच के का डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ऐसे हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं कि आपने एक ग्रुप लिया, उसके दो नॉर्मल सब ग्रुप्स का आपने क्या बनाया, ये सब ग्रुप्स नॉर्मल कैसे हैं, क्योंकि क्या हमने कंडीशंस पढ़ी हुई है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ठीक है, इसके ऊपर भी हम एक थ्योरम करेंगे, इनको प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है, एंड एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ठीक है। तो इसलिए साइक्लिक ग्रुप से आपको क्या मिल जाता है, अब ये ग्रुप क्या है, अबेलियन है, इसका जो सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, सारे नॉर्मल होंगे, तो दीज आर नॉर्मल सब ग्रुप्स, सेकेंड कंडीशन हुई। और क्या कंडीशन होती है आपकी, कि यू कैन, एलिमेंट्स ऑफ दिस कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एच एंड के, ये भी आप एक्सप्रेस कर देंगे। तो यू ट्वेल्व को हम कैसे लिख सकते हैं, एच के, वेयर एच इज ग्रुप जनरेटेड बाय फाइव एंड के इज ग्रुप जनरेटेड बाय सेवन, ओके। तो ये हुआ आपका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रुप की हम बहुत सारी वीडियोस पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्रुप का टॉपिक हमने काफी कवर कर लिया है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप कैसे अबेलियन होता है और कैसे अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल होता है। उसके बाद कुछ आपकी ऐसी टेस्ट है, आपकी थ्योरम्स हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि हर प्राइम ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ठीक है। कैसे प्राइम स्क्वायर का ग्रुप, हम उसका ऑर्डर का देखेंगे क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, कैसे अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम पी इंटू क्यू है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये सारा कुछ हम अपने आगे की वीडियोस में करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।